नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। भोपाल से पीएम मोदी ने 2024 के लिए सेट किया भाजपा का चुनावी एजेंडा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के दिए संकेत, कहा सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है कि कॉमन सिविल कोड लाओ, पूछा दो कानून से कैसे चलेगा देश। मिशन 2024 के लिए पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों पर खेला बड़ा दांव, बोले मुसलमानों के एक वर्ग ने लंबे समय तक पसमानदा मुसलमानों का किया शोषण, भाजपा कार्यकर्ताओं को भ्रम दूर करने की कही बात। भोपाल से पटना की विपक्षी एकता पर पीएम मोदी का करारा प्रहार, कहा छोटे छोटे कुनबे स्वार्थ के लिए एक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से दी देश को 5 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात, बोले पीएम मोदी 6 राज्यों के लोगों को मिलेगी सुविधा, मध्य प्रदेश को 2 वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले का होगा सीएजी ऑडिट, उपराज्यपाल की ऑडिट कराने की सिफारिश को गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी मुख्यमंत्री को टारगेट करने की बताई कोशिश। दिल्ली के कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, जब दिल्ली G20 सम्मेलन की तैयारी कर रहा है ऐसे समय में यहां जंगल राज कायम हुआ, कहा कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमें सौंपो, हम बनाएंगे सुरक्षित शहर। समान नागरिक संहिता पर मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस ने कहा बेरोजगारी गरीबी महंगाई मणिपुर के हालात पर क्यों बात नहीं करते मोदी, मणिपुर 60 दिनों से जल रहा है, एक बार भी उन्होंने शांति की अपील नहीं की, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जदयू ने भी लगाया वोट बैंक की राजनीति का आरोप। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है, उन्हें अपनी सोच का सॉफ्टवेयर बदलना चाहिए, भारत के मुसलमान को पाकिस्तान मिस्र से क्या करना है, क्या आप उन्हें बड़ा और हमें कम समझ रहे हैं, यह तो देश विरोधी बात है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सेना ने लोगों से शांति बहाली में मदद करने की अपील की, वीडियो जारी कर कहा उग्रवादियों की ढाल बन रही एक्टिविस्ट। यूपी में कौशाम्बी जिले के मंजनपुर क्षेत्र में 1.25 लाख रुपए का इनामी बदमाश गुरफान एनकाउंटर में ढेर, मंगलवार सुबह यूपी एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में गोली लगने से गुरफान की हुई मौत। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो लोगों ने फर्जी सीमा शुल्क अधिकारी बनकर एक व्यक्ति से कथित रूप से 4 लाख रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा लूटी, पीड़ित सऊदी में मजदूर के तौर पर काम करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर सिलीगुड़ी के पास आपात स्थिति में उतारा गया, खराब मौसम के कारण हुई इमरजेंसी लैंडिंग। केजरीवाल ने किया 42 चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन, कहा दिल्ली बनी देश की ईवी राजधानी, यहां सबसे ज्यादा ईवी खरीदे जाते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया, घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। कुछ समय पूर्व मारे कुख्यात अपराधियों अतीक और अशरफ अहमद की बहन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अदालत में याचिका दायर कर दोनों भाइयों की मौत की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित करने की मांग की। रूस के अधिकारियों ने निजी सैन्य समूह वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन और सशस्त्र विद्रोही में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ लगाए आरोप हटाए, बागी सैनिकों पर देशद्रोह का मामला दर्ज था, ग्रुप के मुखिया येवगेनी के बेलारूस में होने की अटकलें। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दिवसीय विश्व कप का बहुचर्चित मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, फाइनल भी दुनिया के सबसे बड़े इसी स्टेडियम में 19 नवंबर को खेला जाएगा। शेयर बाजार में गिरावट थमी, बीएसई सेंसेक्स 446 अंक उछलकर 63,416 अंक पर हुआ बंद, एनएसई निफ्टी भी 126 अंक की बढ़त के साथ 18,817 अंक पर हुआ बंद। खबर है कि शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं, इस फिल्म को सुजॉय घोष निर्देशित करेंगे, हालांकि शाहरुख खान ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म उलू ऐप पर बड़ा एक्शन, 15 दिन के अंदर हटाने होंगे एडल्ट सीन वाले शोज, रेगुलेटरी बॉडी ने शिकायत के बाद उलू ऐप के खिलाफ जारी किया आदेश। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन, और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।